दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कान में इचिंग यानी खुजली होने के क्या कारण हो सकते हैं। नंबर वन, कान में वैक्स हो सकता है। हो सकता है कि कान में वैक्स भर गया हो या फिर कान में बहुत ही थोड़ा वैक्स हो लेकिन बिल्कुल ही ड्राई हो। एंड नंबर टू, कान के अंदर कोई जाने अनजाने में फॉरेन बॉडी हो सकती है, जैसे कि कोई बाल का टुकड़ा हो सकता है या फिर कान की सफाई करते समय जो रुई या कॉटन होता है उसके धागे भी कान में छूट सकते हैं। नंबर तीन, कान के अंदर जो हेयर्स हैं उन पे डैंड्रफ हो सकता है, जिसे हम सेबोरिक ओटाइटिस एक्सटेंडा बोलते हैं। नंबर फोर, कान के अंदर की जो चमड़ी है उस पे एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकती है या फिर कान की चमड़ी पे स्वेलिंग या सूजन हो सकती है, जिसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एंड नंबर फाइव, कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। एंड नंबर सिक्स, कान के बीच वाला हिस्सा जो एक नली के थ्रू हमारे गले में आके खुलता है, जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, तो उस बीच वाले हिस्से में प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन ना हो रहा हो, यानी कि यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कान में इचिंग होने के। आप में अगर लंबे समय से कान में इचिंग बनी हुई है तो अपने नज़दीकी ENT सर्जन को मिलें, ताकि वो पता लगा सकें कि किस वजह से इचिंग हो रखी है और उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।